मॉर्निंग होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट राउंड क्विक फॉर हाउस प्रॉपर्टी ठीक है है छोटा हेड बट इम्पॉर्टेंट है आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनेशन में हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते रहते हैं इनफैक्ट uh, मुझे तो लगता है कि सैलरी से ज्यादा क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी के आ जाते हैं इट्स एन ईजी हेड बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी ग्रैप कर सकते हैं ओके कमिंग बैक क्वेश्चन नंबर वन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इफ अ प्रॉपर्टी हैज मल्टीपल यूनिट्स और उसके मल्टीपल यूज हैं एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है दूसरा पोर्शन लेट आउट है या फिर बिजनेस पर्पज के लिए तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं और क्वेश्चन नंबर वन में ही डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ वेकेंसी एंड अनरियलाइज ठीक है क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग बातें करेंगे इफ़ अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो क्या वो इनकम भी हम इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सीबल करते हैं या नहीं करते हैं किस सिनारी में करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट उसकी बातें भी हम क्वेश्चन नंबर टू में करेंगे ठीक है फिर मैं कुछ अगर कुछ लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको आपके साथ चार्ट रिविजन में भी डिस्कस करूंगा अभी इसी वीडियो में ओके बट वेरी क्विकली क्वेश्चन नंबर वन इफ यू कम टू दिस नोट्स आपको ये नोट फाइल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस फाइल दिस सेज क्वेश्चन नंबर वन पीयूष बिग हाउस कंस्ट्रक्शन ईयर टू थाउजेंड और चुका है का तो नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि 5 साल के लिए आता है उसके बाद तो प्री कंस्ट्रक्शन का तो यहां पर नहीं है तो इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था टू थाउजेंड एट नाइन में विथ थ्री इंडिपेंडेंट यूनिट इट दिस हाउस हैज मल्टीपल यूनिट्स यूनिट वन जो फिफ्टी परसेंट द फ्लोर एरिया मतलब हाफ is let out for residential purpose at a monthly rent of fifteen thousand per month ठीक है fifteen thousand per month के इसका rent आता है actual rent a sum of rupees three thousand could not be collected from the tenant and a notice to vacate the unit was given to the tenant no other property of Mr Piyush is occupied by the tenant मतलब unrealized rent है तो अगर कभी भी आप पैसे recover नहीं कर पा रहे हैं tenant से ठीक है वो आपकी सारी property vacate कर चुका है आपने सारी legal proceedings ले चुके हैं तो उस केस में हम थ्री थाउजेंड रुपीज यहाँ पर अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हैं एक्चुअल रेंट में से तो जब आप जी कंप्यूट करते हैं बिकॉज वी कंप्यूट जी बाय कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट ठीक है एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल यही होता है ना एक्सपेक्टेड रेंट म्यूनिस्पल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर उसको कंपेयर करते हैं आप स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आता है इसको कुछ लोग एनुअल लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट सेम एज एनुअल लेटिंग वैल्यू ठीक है तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आप कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर बिकम्स योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी जेवी बन जाती है बट इन केस अगर अनरियलाइज रेंट है तो अगर जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअल रेंट में से पहले आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिएगा उसके बाद कंपेयर कीजिएगा तो हमारा एक्चुअल रेंट आएगा पर मंथ ठीक है जितने भी आ, हमारी है, लेट आउट थी उससे करेंगे माइनस थ्री था सबको याद आ गया यूनिट वन रिमेन वेकेंट फॉर टू इज नॉट पुट टू एनी यूज यानी कि ये यूनिट दो महीने के लिए वेकेंट भी थी वेकेंसी भी आ गया तो इनकेस अगर वेकेंसी आता है तो यू अंडरस्टैंड जब हम जी में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट करते हैं अब क्योंकि यहाँ पर दो महीने की वैकेंसी है यानी कि आपका एक्चुअल रेंट सिर्फ दस महीने का आएगा बट एक्सपेक्टेड रेंट पूरे बारह महीने का होता है तो आप चेक करते हैं अगर देखिए एक्चुअल रेंट ज़्यादा है अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर एक्चुअल रेंट कम है इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और एक्चुअल रेंट कम है और रीजन बीइंग वैकेंसी थी वैकेंसी की वजह से आपका ये एक्चुअल रेंट यहाँ पर कम आ रहा था तो उस केस में तो जी भी एक्चुअल रेंट ही ले लेते हैं और मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि जब कभी भी वैकेंसी है तो एक काम कीजिएगा जब आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर कर रहे होंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट को कन्वर्ट कर लीजिएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से ठीक है अगर आपने इस तरीके से पढ़ाया तो ठीक है दोनों मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए एक तो चीज होती है देखनी कि क्या हमारी वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है या फिर दूसरा तरीका होता है देखने का कि आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दीजिए उससे कंपेयर कर लीजिए अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जैसे कि यहाँ पर दो महीने की वैकेंसी है तो हम दस बारह में से दस दो महीने हटा देंगे दस महीने का प्रोपोर्शनेट निकाल कर देख लेंगे एक्चुअल रेंट से विच एवर इज़ हायर तो अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा आता है तो एक्चुअल रेंट हमारा जी आ जाता है बट अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आता है तो हमेशा याद रख लीजिएगा एक्सपेक्टेड रेंटी जीएवी होगा हमेशा एक्सपेक्टेड रेंटी जीएवी होता है ठीक है इन केस आपने किसी भी तरीके से करा है बट आई बिलीव आपको ये वैकेंसी वाला कंसेप्ट याद आ गया है ओके यूनिट नंबर टू यूनिट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द फ्लोर एरिया यानी कि वन फोर्थ वन फोर्थ के बारे में बताया गया है इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस के लिए अब इसके ऊपर हम सेक्शन ट्वेंटी का वो नहीं लगा सकते बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज द फॉर इज ओन बिजनेस और प्रोफेशन पे बिजनेस के लिए कर रहा है तो इसमें से आने वाला कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसि वो पीजीबीपी के एक्सपेंसिज बनेंगे ठीक है यूनिट थ्री रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट इज यूटिलाइज फॉर द प्पस ऑफ हज ओन रेसिडेंस वो खुद अपने लिए यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए जीए वी नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए याद कर लीजिए हम एन ए वी से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे म्यूनिसपल टैक्सेज अगर हमने पे की है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती वहाँ पर एनए वी ही नहीं लाता है ट्वेंटी फोर ए ठीक है जो थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी होता है वो भी नहीं लाएगा ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट हम माइनस कर सकते हैं बट दैट इज लिमिटेड ठीक है थर्टी थाउजेंड या टू लाख हैज द केस मे बी अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एस फॉलोस म्यूनसिपल वैल्यू दी गई है फेरेंटल वैल्यू ये पूरे घर की दी गई है तो आप जब फिफ्टी परसेंट कर रहे होंगे तो आप इसको हाफ कर लेंगे तो म्यूनसिपल वैल्यू वन लाख एटी एट थाउजेंड याद आ गया ये बातें ठीक है क्योंकि अगर ये पूरे घर का दिया गया है तो आप अकॉर्डिंगली क्योंकि आपको अलग अलग यूनिट को अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा तो आपकी म्यूनिपल वैल्यू या फेरेंटल वैल्यू जब भी आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाले तो वो भी अकॉर्डिंगली निकालिएगा तो म्यूनिपल वैल्यू वन लाख एटी एट थाउजेंड थी फेर वैल्यू टू लाख हायर इन दोनों में से जो भी हायर था एंड रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड तो टू लाख ट्वेंटी पूरे घर की जीएवी आ रही है बट जब आप फिफ्टी परसेंट पोर्शन के लिए खींचेगा फिर इसका हाफ खींचेगा ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट इसका हाफ आ जाएगा इसका कितना बनता है वन लाख फोर्टीन थाउजेंड रुपीज इसका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा उसको आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर कीजिएगा बट यहाँ पर वैकेंसी भी याद रख लीजिएगा म्यूनसिपल टैक्सेस पे करें हैं पूरे घर के बीस हज़ार पूरे घर के बीस हजार पे करें जब फिफ्टी परसेंट वाले आप यूनिट वन का फिफ्टी परसेंट लेंगे टेन थाउजेंड रुपीज म्यूनसिपल टैक्सेज यूनिट टू का हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस नहीं बनेगा ये पीजी बी पी का एक्सपेंस बनेगा ठीक है पी जी बी पी तो आई बिलीव आपको पी जी बी पी भी अच्छे से आता है तो ये म्यूनिस्पल टैक्सेस हम लोग पी जी भी रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो यहाँ पर ये इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारा जाने वाला है पी जी बी का एक्सपेंस इट विल नॉट बी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और यूनिट थ्री से रिलेटेड जो म्यूनसिपल टैक्सेज है उसका कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज ये सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है एन ए जीरो होगी ठीक है रिपेयर्स हम लोग पता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते हैं सिर्फ दो रिडक्शन मिलती है ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन और ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट रिपेयर्स की हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलती बट हाँ अगर पी के लिए आ रहा है तो अब मिल सकती है तो यहाँ पर ट्वेंटी पोर्शन तो रिपेयर्स का ट्वेंटी पीजीबीपी में आप लोग अलाउ कर सकते हैं यूनिट टू के लिए जब आप पीजीबीपी वाली इनकम कंप्यूट करेंगे अगर पीजीबीपी इनकम दी है तो वहां से ही एक्सपेंसिज माइनस कर किए जा सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड उड सिक्सटी थाउजेंड पूरे घर का सिक्सटी थाउजेंड है ये अलाउड हो जाएगा सभी में अलाउड हो जाएगा यूनिट वन में भी अलाउड हो जाएगा हाफ थर्टी यूनिट टू में बिजनेस एक्सपेंस बनेगा और यूनिट थ्री में भी हम अलाउ कर सकते हैं और यूनिट थ्री में सिक्सटी थाउजेंड का ना फिफ्टीन थाउजेंड है आराम से अलाउड हो जाएगा विद इन लिमिट आ रहा है ग्राउंड रेंट हाउस प्रॉपर्टी में कोई एक्सपेंस नहीं बनता है हाँ पी भी बन सकता है बट प्लीज ट्वेंटी फाइव परसेंट ही बनाइएगा जितना रिलेटेड पोर्शन है पी में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अगेन हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करेंगे इसका ठीक है वहाँ पर हम एक नोट है लिख सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंसिज हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं होते हैं बट येस वेल कैलकुलेटिंग और पी भी एक्सपेंस माइनस किया जा सकता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्वेंटी वाला पोर्शन इनकम ऑफ प्यूश फ्रॉम बिजनेस वन लाख फोर्टी थाउजेंड देखो इनकी बिजनेस इनकम भी दी गई है विदाउट डेबिटिंग द हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी कि ऊपर दिए गए जो हाउस के ऊपर खर्चा हुआ जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा हुआ है यूज हो रही है उससे पहले बिफोर दैट एक्सपेंसिस हमारी इनकम वन लाख फोर्टी थाउजेंड आ रही है तो जहां जहां पर मैंने पीजीबीपी के एक्सपेंसिस खासा लेने के लिए वो आप माइनस करने के बाद इनकी की इनकम भी आराम से आ सकती है ठीक है क्वेश्चन पीजीबीपी का नहीं है मेनली पीजीबी की तो बस बहुत छोटी चुट छोटी बातें हो रही है क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी का ही है डिटर्माइन टेक्सिबल इनकम ऑफ मिस्टर सेक्शन वन वन फाइव बी एस यानी न्यू स्कीम में नहीं है नॉर्मल स्कीम में ही है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे यूनिट वन के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे यूनिट टू के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं निकलेगी बट यूनिट थ्री के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलेगी ठीक है यूनिट वन और यूनिट थ्री को मिलाकर ये हमारी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने वाली है और उसके बाद हमारी पी पी की इनकम आ रही है और यूनिट टू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रिलेट करते हैं पी जी पी में वो आप माइनस कर सकते हैं तो हमारी दो इनकम आएंगे एक तो पी पी और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं तो फर्स्ट आइव कैलकुलेटेड फॉर यूनिट वन फिफ्टी इसका जी आएगा हाफ जैसे वन लाख फोर्टीन थाउजेंड अभी हमने देखा भी कैसे आया था और इसका एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट था फिफ्टीन थाउजेंड इन टेन टेन क्यों क्योंकि दो महीने के लिए तो वैकेंसी थी तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ हमारा एक्चुअल रेंट आ गया इसमें से प्लीज़ माइनस कर दीजिएगा अन रेंट थ्री थाउजेंड इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड हमारे पास आ जाता है वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड एक्सपेक्टेड रेंट तो वैसे ही कम है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर तो क्योंकि हम वैकेंसी की वजह से किस एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट तो वैसे ही ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप प्रपोशनट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना चाहें तो निकाल दें बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर इस केस में तो वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड वुड बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस कितने माइनस करेंगे फिफ्टी परसेंट ठीक है बीस हज़ार के म्यूनसिपल टैक्सेस थे फिफ्टी परसेंट माइनस कर दीजिएगा एनी वी आ जाएगा ट्वेंटी फोर ए की डिडक्शन सीधा सीधा थर्टी परसेंट आ जाएगी ट्वेंटी फोर बी जितना भी इंटरेस्ट था उसका फिफ्टी परसेंट अलाउड हो जाएगा अच्छा इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो भी क्या अलाउड हो जाता है येस ट्वेंटी फोर बी में इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पर भी अलाउड हो जाता है ठीक है बट ऐसा यहाँ पर कुछ था नहीं नॉर्मली आप अलाउ कर देंगे तो आपका यूनिट वन से इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी सिक्सटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड यूनिट टू बहुत ईजी है वहाँ तो एन ही जीरो आप ले लेंगे ठीक है एन ए वी ले लीजिएगा और ट्वेंटी फोर ए अगेन निल ही आएगा क्योंकि नल का थर्टी परसेंट निल ही होता है ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट आप ले सकते हैं सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट और क्योंकि वो सिर्फ पंद्रह हजार आ रहा है तो हमारी विद इन लिमिट्स आ रहा है थर्टी थाउजेंड या टू लाख है द केस में भी ठीक है तो टू लाख जनरली हम लेते हैं अगर कंस्ट्रक्शन कित किस लिए लिया गया इंटरेस्ट उन कैपिटल बॉर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब टू लाख ,00 तक ले सकते थे पंद्रह हजार ही लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर आपकी पीजीबीपी की इनकम तो वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो इनकम दी गई है बिफोर एक्सपेंसिस अब यूनिट टू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसिस बनते हैं ट्वेंटी वो आप माइनस कर सकते हैं जैसे कि म्यूनिपल टैक्सेस है या रिपेयर है इंटरेस्ट ऑन लोन है ग्राउंड रेंट है फायर इंश्योरेंस है जितने भी एक्सपेंसिस दिए हुए हैं सभी अलाउड हो सकते हैं बट प्लीज ट्वेंटी फाइव परसेंट ही कीजिएगा तो so, इस तरीके से आपकी पी जी पी पी की इनकम आ जाती है तो यू हैव हाउस प्रॉपर्टी इनकम पीजीपी पी इनकम एंड दिस इज योर टोटल इनकम या फिर इसको जी टी आई बोल सकते हैं जो फिर चैप्टर सिक्स से वगैरह की डिडक्शन देते हैं वो सब इस क्वेश्चन में इसमें नहीं है तो अभी सिर्फ इसी को हम अपनी टोटल इनकम मान लेंगे तो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर वन अब क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं हम लोग इजी था रिवाइज हो रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर टू मिस्टर आदित्य रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ही इज नॉट रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी इसका मतलब क्या ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है आंसर इज नो अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया अगर प्रॉपर्टी है तो क्या वो टैक्सेबल होगी उसका रेंट वगैरह आता है तो तो टैक्सेबल नहीं होगी हाँ बट अगर वो रेंट रिसीव हो जाए इंडिया में तब हम टैक्सेबल कर सकते हैं अगर ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है बट नॉन रेसिडेंट के लिए या नॉट ऑर्डिनरी के लिए इफ अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बिकॉज द रेंट इज़ नॉट अराइजिंग इन इंडिया फिर हम टैक्सेबल नहीं करते हाँ बट इफ़ इट इज़ बिंग रिसीव्ड इन इंडिया अगर वो इंडिया में रिसीव हो जाए तब आप टैक्सेबल कर दीजिएगा ठीक है ही ऑन्ट्स टू हाउस वन इन दुबई देखिए इंडिया के बाहर एंड अदर इन मुंबई द हाउस इन दुबई इज लेट आउट एंड देयर इज अ रेंट ऑफ दरम्स ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ एंड वन धरम इज इक्वल टू एटीन रुपीज ठीक है आप लोग जब कभी भी कैलकुलेशन करें बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इनकम और इनकम टैक्स इन इंडियन रुपीज़ तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टू एटीन से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज़ में दैट इज़ क्वाइट इजी इंटायर रेंट इज रिसीव इन इंडिया देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एंटायर रेंट इज रिसीव इन इंडिया रेमिटेड लिखा है रिसीव्ड लिखा है रिसीव्ड लिखा है ठीक है डायरेक्टली आपको रिसीवीव इंडिया में होता है इट मीनस की अब हम टैक्सीबल करने वाले हैं इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट स्टिल हम टैक्सीबल करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द रीजन द रेंट इज रिसिव्ड इन इंडिया अगर सिर्फ रेमिटेड होता मतलब इसका मतलब रिसीव्ड पहले से बाहर हो चुका था अगर सिर्फ रेमिटेड होता तो हम टेक्सेबल नहीं करते बट नाउ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया He paid property tax of 12,500 and फाइव tax of 1500. टैक्स ये दोनों ही municipal taxes होते हैं property tax and सीवरेज tax. तो ये दोनों ही allowed है पहली बात तो अगर इंडिया के बाहर भी pay हुए हैं तो allowed है अगर आप property इंडिया के बाहर वाली taxable कर रहे हो तो उसके expenses भी आप minus कर सकते हो Even interest वगैरह भी minus कर सकते थे और इसके municipal taxes टोटल दिए गए हैं अलग अलग स्प्लिट करके दिए गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स एंड टैक्स ये दोनों ही को जाते हैं तो ये दोनों ही अलाउड है फोर थाउजेंड आप अलाउ कर देंगे धरम्स इंटू एटीन से मल्टीप्लाई करके आपको इंडियन रुपीज में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से प्रॉपर्टी की इनकम आराम से आ जाएगी दुबई यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है म्यूनिसिपल वैल्यू वगैरह नहीं दी गई है तो एक्चुअल रेंट को ही आप ट्वेंटी थाउजेंड धरम्स इंटू ट्वेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व पूरे साल का इंटू एटीन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए ये आपकी जीएवी आ जाएगी एक्चुअल रेंट आया यही आपकी जीएवी हो गई बिकॉज देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेड रेंट तो ये हमारी जीएवी आ गई इसमें से माइनस करेंगे म्यूनिस्पल टैक्सेस म्यूनसिपल टैक्सेस जाएंगे फिर एन ए आ जाएगा एन एवी में से ट्वेंटी फोर ए माइनस कर दीजिए ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह नहीं दिया गया इसका। है इसका सेकेंड है हाउस इन मुंबई सेल्फ एन एवी जीरो ठीक है सेल्फ है

फर्स्ट जून 2017 को लोन लिया गया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है थर्टी फर्स्ट मे नाइनटीन को ठीक है थर्टी फर्स्ट मे नाइनटीन को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो इतना पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन का हो जाता है ठीक है नहीं पूरा पीरियड यहां तक नहीं होगा थर्टी फर्स्ट तक नहीं होगा हम क्या देखते हैं किस ईयर में ठीक है याद कर लीजिएगा हम प्री कंस्ट्रक्शन निकालते समय ये देखते हैं किस ईयर में किस फाइनेंशियल ईयर में ये घर कंप्लीट हुआ तो फाइनेंशियल ईयर था वो 2019-20, नाइनटीन में ये घर कंप्लीट हुआ अभी चल रहा है हमारे एग्जाम्स के लिए 2021, ठीक है यानी कि सेकेंड ईयर है इसका मतलब प्री कंस्ट्रक्शन का अगर कोई इंटरेस्ट है तो हमारे यहाँ पर भी अलाउ होगा बिकॉज सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारे वाले ईयर में फॉल कर रही है सबसे पहले वापस आ जाइए ठीक है मैं दोबारा से रिवाइज़ करा रहा हूँ आपको जब कभी भी घर कंप्लीट होता है तो आप ये देख लीजिए कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रहा है तो दिस इज गेटिंग कंप्लीटेड ऑन थर्टी फर्स्ट मे नाइनटीन दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 1920 में में कंप्लीट हो रहा है तो 1920 के बाद तो हम प्री कंस्ट्रक्शन नहीं लेते उससे पहले पहले ले लेते हैं तो 1920 से पहले क्या आएगा 31 मार्च 2019 यहां तक ही आपको प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड निकालना है तो दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जून टू थाउजेंड से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 थाउजेंड नाइनटीन थर्टी फर्स्ट मे नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है प्री कंस्ट्रक्शन में और फिर ये देखना पड़ता है कि हमारा वाला ईयर जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट दैट इज़ प्रीवियस ईयर हमारे लिए आ रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो क्या हमारा वो पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन वाले पाँच साल में फॉल कर रहा है तो आंसर इज यस कर रहा है तो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे जो भी इंटरेस्ट होगा उसकी वन फिफ्थ की डिडक्शन ले लेंगे ठीक है वन फिफ्थ उसकी और अगर करंट ईयर का यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन का भी कोई करंट ईयर का इंटरेस्ट है तो वो भी ऐड हो जाएगा हमारे ट्वेंटी फोर बी में बट क्योंकि दूसरी बात याद रखिएगा क्योंकि ये हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा आपका इंटरेस्ट टू लाख रुपीज़ तक द एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी साफ साफ लिख दिया गया कि हमारे प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक भी ये पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब पहले तो करंट ईयर का भी इंटरेस्ट आएगा ट्वेंटी फाइव लाख के ऊपर ट्वेल्व परसेंट ठीक है थ्री लाख तो ये हो गया प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे वो भी उसमें इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है दो लाख से तो ज़्यादा ही निकल रहा है ऑब्वियसली तो आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे सिर्फ दो लाख तक अगर ये लेटआउट प्रॉपर्टी होती तो फिर तो पूरा देते लेट आउट या डीम आउट फिर तो पूरा इंटरेस्ट अलाउड था बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सिर्फ इतना ही अब रखेंगे सिर्फ टू लाख रुपीज़ तक और प्रॉपर टैक्स पेस्पेक्ट टू देंकंड ट्वेंटी फोर फाइनेंशली मिनिपल टैक्से अलाउड हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है म्यूनिपल टैक्स अलाउड नहीं होंगे एन एवी से शुरू करेंगे इसके लिए नोट दे सकते हैं म्यूसिपल टैक्स आर नॉट अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो एक तो दुबई के हाउस के निकले की निकलेगी इनकम और दुबई के हाउस की जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था सबसे पहले जेवी आ जाएगा इजिली ट्वेंटी पर मंथ इंटू एटीन इंटू ट्वेल्व का म्युनसिपल टैक्सेज भी अलाउड हो जाएंगे दोनों ट्वेंटी फोर ए की रिडक्शन मिलेगी ट्वेंटी फोर बी वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दुबई वाले घर पर नहीं था तो दुबई की इनकम आती है ट्वेंटी नाइन लैक सेवेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंडिया में टेक्सीबल क्यों हुई सर नॉट ऑर्डिनरी था फिर भी टैक्सीबल हो गई क्योंकि रिसीव हो रही थी इंडिया में अगर रिसीव नहीं होती अराइज तो हो नहीं रही थी रिसीव भी नहीं होती फिर हम इसको छोड़ देते बट क्योंकि अब इसको रिसीव हो रही है तो इसको टैक्सीबल करेंगे दूसरी बात मुंबई वाला घर यहाँ पर जी ए वी से शुरू नहीं करेंगे एन से शुरू करेंगे बिकॉज इट्स अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एन ए वी एन ट्वेंटी फोर ए ला जाएगा ट्वेंटी फोर बी के लिए वर्किंग नोट बना लेंगे तो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट जून टू थाउजेंड सेवेंटीन से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन तक समझे थर्टी फर्स्ट मार्च 19 तक ट्वेंटी फाइव लाख का ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी टू आ रहा है फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड और क्योंकि हमारा वाला पीरियड उस पांच साल वाली लिमिट में फॉल कर रहा है तो वन फिफ्थ की डिडक्शन यहाँ पर फाइव लाख ,00 फिफ्टी थाउजेंड का वन फिफ्थ लाख टेन थाउजेंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का करंट ईयर का 2020-21 का करंट ईयर का थ्री लाख टोटल आ जाता है फोर लाख टेन थाउजेंड रुपीज अगर ये लेट आउट या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होती तो फोर लाख टेन थाउजेंड में पूरा अलाउ करा देता बट क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम सिर्फ दो लाख ही लेंगे ठीक है तो सिर्फ दो लाख ही ले पाएंगे इस तरीके से मुंबई के घर की इनकम आई नेगेटिव टू लाख वहाँ से आया था पॉजिटिव ट्वेंटी नाइन लाख तो आप अकॉर्डिंगली टोटल इनकम करके लिख दीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी की इतनी आ रही है ठीक है तो आई बिलीव काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे याद रख लीजिएगा एक चीज़ होती है आ, इस इन क्वेश्चन में मैं डिस्कस नहीं करिए रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट ठीक है रिकवरी ऑफ अनर रेंट या फिर एरियर्स ऑफ रेंट आपको रिकवर हो जाता है तो जब कभी भी रिकवर होगा प्लीज थर्टी परसेंट उसमें से रिडक्शन देने के बाद सिर्फ सेवेंटी परसेंट इनकम बनाइएगा हाउस प्रॉपर्टी की चाहे आपके इस साल हाउस वो आपके ऑक्यूपेशन आपके आपने ऑक्यूपाई करके रखा हो या नहीं रखा हो आप उसके ओनर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है क्लियर हैं बातें एक बार देख लीजिए जल्दी से चार्ट रिवीजन मैं इनफैक्ट सेक्शन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन सिंपल बातें कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर भी हैं और डीम्ड ओनर की बातें कहाँ पर लिखी है सेक्शन ट्वेंटी में डीम्ड ओनर भी हैं होता है ना कि इस को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी बिना कंसिड्रेशन के तो आप उसके डीम्ड ओनर बन जाते हो उस, उस को या माइनर चाइल्ड को ठीक है या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ठीक है उसके आपको ओनरशिप आपके हाथ आ, आपके लिए नहीं थी क्योंकि वो कॉपरेटिव सोसाइटी उसकी ओनर थी बट आप उसके मेंबर थे ठीक है आप उसके शेयर होल्डर थे एक तरीके से तो अभी आपकी प्रॉपर्टी होती है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट ऐसी बातें हम डीम ओनरशिप में पढ़ते हैं तो सेक्शन ट्वेंटी कहता है इफ दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा करो सेक्शन ट्वेंटी टू कहते हैं कि इफ़ देयर इज अ प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग होनी चाहिए सिर्फ लैंड नहीं होना चाहिए खाली अगर लैंड है तो इनकम आया एफ ओ की चली जाती है देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी लैंड अगर अटैच हो ठीक है वो चलता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है so owner, तो इफ़ देयर इज अ प्रॉपर्टी एंड द असेसी इज द ओनर और डीम्ड ओनर तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आने वाली है प्रोवाइडेड वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज ना कर रहे हो ट्वेंटी थ्री में हम कंपटीशन वगैरह देखते, देखते हैं जीएवी की तो जीएवी निकालिए माइनस म्यूनिसपल टैक्सेस करिए एन ए वी आ जाती है ट्वेंटी फोर ए ट्वेंटी फोर बी दे दीजिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है तो ट्वेंटी फोर की दोनों डिडक्शंस हमें पता है ट्वेंटी फाइव डिडक्शन नॉट अलाउड ट्वेंटी फाइव क्या होता है कि इनकेस अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया आउटसाइड इंडिया ठीक है इंटरेस्ट पे कर दिया आपने आउटसाइड इंडिया और उसके ऊपर टी डी एस डिडक्ट नहीं किया है या फिर उस व्यक्ति का एजेंट इंडिया में नहीं है तो उसके ट्वेंटी हो जाए तो उस केस में भी वो बनती है ओनरशिप का ओनरशिप कहते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हैं ठीक है थीके, तो जितने भी ओनर हैं तो उनकी भी हाउस ऑफ इनकम निकाली जाती है कैसे निकालते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी लेट आउट है अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले एज अ सिंगल ओनर की तरह हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल दीजिए और जो भी इनकम आ रही है उसको डिवाइड कर दीजिए बिटवीन इन देयर को ओनरशिप रेशियो इन देयर को ओनरशिप रेशियो केस अगर को ओनरशिप रेशियो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं ठीक है या डिटरमाइनेबल नहीं है तो उस केस में एज ए एओपी या बी ओवाई की तरह हम टेक्सीबल करेंगे ठीक है दूसरी बात इन केस अगर को ओनड प्रॉपर्टी है और वो दोनों वो दो तीन ओनर हैं उसके और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है फिर आप सबके लिए सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे ठीक है आई बिलीव ये बातें याद आ गई हैं धीरे धीरे तो इस इन वीडियोस का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें रिकॉल कराने का है ठीक है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ इनफैक्ट बहुत जल्दी जल्दी मेरी यहाँ पर स्पीड है बट आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पर हम पीजीवी भी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट